देखो अकाली दल पहलां तो ही धर्म की राजनीति करता रहा, जदों वो सत्ता तो बाहर होंगे ने उन्होंने फिर उन्होंने पंथ को खतरा हो जाता है, कुर्ते की जेब चो जथेदारां दे नां निकलते हैं, सुखबीर बादल दे कुर्ते जेब चो अहुदेदारां दे नां निकलते हैं। सो जे अकाल तख्त साहब ने हुक्म आ गया अकाल तख्त साहब तो कि धार्मिक जिहड़े मेले ने उत्थे सियासी कॉन्फ्रेंसां ना करो, तो फिर फतेहगढ़ साहब बारी तो हुक्म मन लिया तो मुक्तसर साहब बारी क्यों नहीं मनिया? फिर आम आदमी पार्टी ने जबकि अकाल तख्त साहब के फैसले तो भी पहला फैसला कर लिया कि असी चमकौर साहब तो फतेहगढ़ साहब तो जिहड़ा माघी मेला से उत्थे सियासी कॉन्फ्रेंसां नहीं करांगे, सरकार ने भी फैसला कर लिया, पर इस तरह करके शायद वह आपका गुआचया होया जिहड़ा वकार है उहनूं लभण की कोशिश कर रहे हैं। पर करोड़ों रुपये का ड्रामा मानसा क्यों किया जी? जे तुसीं पैसे किसानां दे जिहड़े देने ने दो चार सही तो दो उच बहुत घट ने आपदे चहेते ही ने, जे उन्होंने खाते च पैसे जाने ने फिर उन्होंने जलील करने वास्ते स्टेज पर बुलाया कि असीं तुहाडे माफ़ करते, ये भाग्य विधाता नहीं है? करजा किसानां दे चढ़ाउण दे जिम्मेवार भी यही ने, इन्हां दीआं गलत नीतियां ने। सो इस करके करोड़ों रुपया क्यों खर्चा गया खजाने का मैं समझ नहीं आई, उहदे नाल बहुत सारे किसानों का करजा माफ़ हो सकता सी। एक पासे परल कंपनी का जिहड़ा MD है जिहड़ा जेल च है लोगों का करोड़ों रुपये की ठगी मारने के चक्कर, वह भी करजा माफ़ हो रहा है, तो दूजे पासे जिन्हां दे नाम नहीं आउंदे लिस्ट दे विच।